फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन आर्ट 98। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस रुमाल से छोटे बच्चे के लिए दस्ताने बना करके बताऊंगी। जाड़े का मौसम है और बच्चे को दस्ताने की ज़रूरत पड़ती है। इसको बनाने के लिए हमने ये एक रुमाल लिया है। इसको बीच से फोल्ड करना है और कट कर लेना है। हमने इसको दो पीस में कट कर लिया है। पीस लेंगे और इसको उल्टा करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी जो बंद साइड है वो हमने ऊपर रखी है और खुली साइड हमने नीचे रखी है। बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा शेप दे देंगे इस तरह से। दूसरे पीस को भी इसी तरह से कट कर लेना है। इसको कट कर लिया है, पे हम निशान लगाएंगे। देखिए, निशान लगा लेना है, हाथ का शेप दे देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों में। यहाँ पे दो पीस इलास्टिक लिया है, सॉफ्ट वाली। इलास्टिक की लंबाई 5.5 इंच है। इसको स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले एक साइड का सिल लेंगे, तो मैं इसको सिल लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। इस तरह से इसको खोलना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे, और इस पर सिलाई लगा लेना है यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब हमको इलास्टिक लेना है और पिन को इस तरह से इसमें डाल करके इस तरह से इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेंगे। एक साइड का इस तरह से पकड़ के रखेंगे। इस तरह से पिन को बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ऐसे निकाल देंगे। इसे दोनों साइड से सुई से सिल देंगे ताकि इलास्टिक अंदर ना जाए। मैंने दोनों तरफ से सुई धागे से सिल लिया है इसको। इसी तरह से दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। ऐसे मैंने दोनों पीस तैयार कर लिया है। इसकी सिलाई करने के लिए हमको इस निशान के बाहर बाहर से इस तरह से सिल लेना है, तो मैं सिल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को सिल लिया है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके हटा देंगे। और इसमें इस तरह से कट लगा देंगे बीच में, ताकि जब हम इसको पलटें तो आसानी से पलट जाए। देखिए इस तरह से दोनों को कट कर लिया है। अब मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सीधा कर लिया है। ये बहुत ही प्यारी बेबी मिटन्स बनके तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी मिटन्स बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।